Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब चलो रॉ अंडरग्राउंड का जो काम है उसको तो हमारे शेन मैकमैन बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, लेकिन क्या हमको उनका बहुत जल्दी इन रिंग रिटर्न भी देखने को मिल सकता है? इसको खुद गाइस खुद रिवील किया है शेन मैकमैन ने। बोगीमैन टीज कर रहे हैं कि पॉसिबली शायद वो बहुत जल्दी लौट रहे हैं WWE में। एज स्टाइल्स ने बताया कि कौन से ऐसे मूव्स हैं जिनको करना उन्होंने बंद कर दिया और इसके पीछे क्या रीजन है। साथ ही साथ गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर काफी सारी चीजें WWE ने एडवर्टाइज कर दी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बड़ी चीजें होंगी हमारी सारी प्रेडिक्शंस, तो वीडियो बहुत मस्त होगी, आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखना। और जैसे आजकल आप बाहर से आने के बाद हाथ सैनिटाइज करना नहीं भूलते भाई, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, इससे चैनल की ग्रोथ में हेल्प होगी। और शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स से। अब आपको पता है AJ स्टाइल्स का जो रेसलिंग करियर है वो छोटा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, मतलब अगर आपने सिर्फ उनको WWE के अंदर देखा है तभी शायद आप ऐसा सोचते होगे, लेकिन आपको पता है WWE से बाहर NJPW के अंदर, इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर, अलग अलग प्रमोशंस के अंदर, इंडी रेसलिंग के अंदर काफी ज्यादा उन्होंने रेसल किया हुआ है। और गाइस इससे पहले हमको AJ स्टाइल्स के मूव सेट काफी ज्यादा देखने को मिलते थे, काफी सारे उसमें से मूव्स थे जो कि AJ स्टाइल्स ने करने छोड़ दिए। और पिछले कुछ सालों में फैंस ने कंप्लेन भी की AJ स्टाइल्स की रेसलिंग के बारे में कि वो अभी भी फिनोमिनल जरूर है लेकिन उन्होंने कुछ मूव्स करना बंद कर दिए हैं। और गाइस इसी बारे में AJ स्टाइल्स ने बात करी, जहां पर उन्होंने इस बात को रिवील किया कि देखो अब उनकी जो बॉडी है ना वो पहली जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कुछ ऐसे मूव्स है जो कि मैं वापस लेकर आना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले हमको इवन WWE के अंदर भी शूटिंग स्टार प्रेस करते हुए दिखाई देते थे AJ स्टाइल्स, तो उन्होंने कहा ये वाला मूव है जो कि मैं वापस से लेकर आना चाहूंगा। इवन यहां पर उन्होंने अपने स्पाइरल टैप मूव की भी बात करी, जो कि आपको पता है किसी जमाने में उनका फिनिशर भी हुआ करता था। उन्होंने कहा कि देखो यार अब मैं इन मूव्स को सच में करने में डरता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं इंजर्ड ना हो जाऊं, मैं अब यंग कैट नहीं रहा और मेरे को डर लगता है कि इन मूव्स को करते हुए कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, और ये चीज मैं इस समय अपने रेसलिंग करियर के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो यहां पर कुछ AJ स्टाइल्स का एक्सप्लेनेशन था। उन्होंने इच्छा तो जताई है कि हाँ इन मूव्स को वो करना जरूर चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम पर वो डरते भी हैं कहीं इस वजह से उनको कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए। वेल मैं तो यहां पर यही चाहूंगा अगर वाकई में कुछ ऐसा है तो फिर AJ स्टाइल्स को जैसे वो अभी रेसल कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो रेसलिंग स्टाइल है वो काफी कमाल का है। स्मैकडाउन के शो पर ही कुछ मिनट्स आप लोग उनको दे दो और किसी भी परफॉर्मर के साथ वो एक बहुत ही अच्छा मैच दे सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फिनोमिनल वन। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है बोगीमैन से। बोगीमैन का कैरेक्टर WWE के अंदर काफी यूनिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी कभी वो टेलीविजन के ऊपर आते हैं हमको उनको देखने में काफी मजा आता है। हाँ, लेकिन बचपन में हम लोग शायद थोड़े डरते भी होंगे कि यार ये बंदा कैसा है, तो जो वॉर्म्स हैं उनको ही खाते रहता है। लेकिन गाइस बोगीमैन ने अपने ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज टीज करी है जब उन्होंने इस वाली फोटो को पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। यहां पर आप लोग देख सकते हो हमको दो सेक्शन में बटी हुई दिखाई दे रही है फोटो, जहां पर ऊपर है WWE का लोगो और नीचे हमको बोगीमैन देखने को मिल रहे हैं अपनी डरावनी आंखों के साथ। तो गाइस इस तरीके से यहां पर बोगीमैन हमको शायद टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो WWE में वापसी करने वाले हैं। वैसे गाइस अगर मैं आपको बता दूं कि अब बोगीमैन का WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो गाइस बोगीमैन ने खुद इस बात को रिवील किया था कि उनका लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो स्पेशली लेजेंड्स के साथ WWE कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई भी डील करती है, वैसा कुछ उनका WWE के साथ है, यानी WWE के साथ वो लिंक्ड है, WWE के साथ वो टच में है, और जब भी कभी WWE चाहेगी उनको वो वापस से फिर से अपने टेलीविजन के ऊपर बुला सकती है कुछ स्पेशल अपीयरेंसेस करने के लिए, या फिर अगर उनका कोई बड़ा रोल हो तो वो भी उनको ऑफर किया जा सकता है। बाकी गाइस इंडी शोज के अंदर स्टिल मैं आपको बता दूं, ये जो अभी कोविड वाला टाइम चला था उससे पहले बोगीमैन लगातार कंपीट करते ही रहते थे, तो देखो इस वाली पोस्ट का क्या मतलब निकलता है, क्या वाकई में बोगीमैन आते हैं वापस, और अगर आते हैं तो डेफिनेटली उनका सेगमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर होगा। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है शेन मैकमैन से, जिन्होंने बहुत टाइम के बाद टेलीविजन पर अपना रिटर्न किया जब वो रॉ अंडरग्राउंड के कॉन्सेप्ट के साथ है, और फिलहाल हमको लगातार वो रॉ पर देखने को मिलते हैं जहां पर रॉ अंडरग्राउंड के एक तरीके से वो होस्ट हैं, एंकर हैं। और गाइस अभी रिसेंटली उनसे पूछा जाता है रॉ अंडरग्राउंड के साथ साथ इन रिंग रिटर्न के बारे में, तो गाइस अपने इन रिंग रिटर्न के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा नेवर से नेवर, अभी जो बात है वो मेरे बारे में नहीं है बल्कि यहां पर भी सवाल है नए टैलेंट्स को डेवलप करने का और इसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि देखो अगर किसी नए टैलेंट के साथ, किसी फ्यूचर टैलेंट के साथ मेरे को कुछ शोकेस करने का मौका मिलता है तो इसके लिए मैं एक्साइटेड रहूंगा। हां, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, उसके पीछे इमोशन होना चाहिए, और फिजिकली अगर हम लोग उसको पुल ऑफ कर सकें तो ये काफी अच्छी चीज होगी। और यहां पर शेन मैकमैन ने एंड में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि आई स्टिल गॉट अ फ्यू लेफ्ट इन मी, जो कि हमको क्लियर साइन देता है कि शेन मैकमैन अभी डन नहीं हुए इन रिंग एक्शन से। और गाइस रॉ अंडरग्राउंड के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसकी पूरी प्रोग्रेस चल रही है, अभी धीरे धीरे देखो इसके ऊपर आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोनों चीजों के बारे में हमको शेन मैकमैन की तरफ से अपडेट मिल गई है। अभी शेन मैकमैन को अगर आप लोग डन समझ रहे हो कि इन रिंग एक्शन में वो नहीं आएंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरे को लगता है जैसे कोई भी बड़ी चीज होगी शेन मैकमैन के लिए शायद वो आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर वो रॉ अंडरग्राउंड के
ऊपर ही हो जाए तो शायद WWE का बड़ा धमाका हो सकता है। और गाइस अब हम लोग बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि जिस हिसाब से चीजें एडवर्टाइज है काफी डिसेंट शो हो सकता है। सबसे पहले गाइस हमको एलेक्सा ब्लिस का मूवमेंट ऑफ ब्लिस वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर स्पेशल गेस्ट होने वाली है निकी क्रॉस। अब आपको पता ही एलेक्सा ब्लिस की कैसे फेंट के साथ कुछ खिचड़ी पकड़ी है, कभी वो निकी क्रॉस के ऊपर अटैक करती है, कभी गले मिलती है, तो यहां पर काफी अजीब सा हमको एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली इस मूवमेंट ऑफ ब्लिस वाले सेगमेंट के अंदर हमको कुछ और प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हमको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है एलेक्सा ब्लिस के साथ। तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस के बीच। इसके अलावा गाइस एजे स्टाइल्स वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है। अब जब मैंने मैच देखा तो मैं सोच रहा था कि क्या यहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन है या फिर नहीं, क्या WWE ने मेंशन किया है या फिर नहीं। फिर मेरे दिमाग में आ रहा कि भाई मैं क्या सोच रहा हूं, जेफ हार्डी हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, मतलब WWE ने स्टोरी लाइन के अंदर इतना कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दिया कि मैं तो सच में कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन असली में चैंपियन है। और आपको पता है ये फ्यूड भी इस बारे में कि कौन असली चैंपियन है, किसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होना चाहिए। फिलहाल WWE के हिसाब से जेफ हार्डी है चैंपियन। बाकी इस मैच के रिजल्ट की बात करें, प्रेडिक्शन की बात करें, तो देखो यही सीन होने वाला है यहां पर, या तो इस मैच की स्क्रू एंडिंग होगी, जेफ हार्डी यहां पर आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है जो भी सुपरस्टार इस मैच को हारे, मैच खत्म होने के बाद वो अपना बदला लेने के लिए अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहां पर जो मैच का रिजल्ट हो किसी भी साइड जा सकता है। मुझे कोई एक पिक करना हो तो यहां पर मैं पिक कर सकता हूं एजे स्टाइल्स को। अचानक से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीलाइन WWE ने स्मैकडाउन पर चला दी, और वो है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैसे छुड़ाया जाए ओटिस के पास से। और आपको पता है ये टास्क मिला हुआ है मिज़ एंड मॉरिसन को, तो आपको यही चीज स्मैकडाउन के शो पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। और ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए जिस तरीके से मिज़ बता रहे हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लॉयर के पास लेकर जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसी चीजें जो कि लूप होल्स निकाल सकती हैं, और हो सकता है ओटिस के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाए, तो ये स्टिल आपको चीज कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। और चलो सही है यार, अगर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये चीज करके ओटिस को रेलिवेंट बनाया जा सकता है स्मैकडाउन के ऊपर। साशा बैंक्स भी गाइस रिटर्न करने वाली हैं स्मैकडाउन के शो पर, और WWE यहां पर ऐसे बता रही है कि साशा बैंक्स जो बेली का अटैक हुआ था उसको एड्रेस करेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में भी कुछ यहां पर बताएंगी। अब मैं यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं यहां पर बेली को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब इस सेगमेंट के अंदर क्या चीज हो सकती है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि आपको पता है हमको जो नेक्स्ट पेपर व्यू है क्लैश ऑफ चैंपियंस, वहां पर बेली का मैच देखने को मिलेगा अगेंस्ट निकी क्रॉस, तो यहां पर अब साशा बैंक्स का रोल होगा। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूं जानने के लिए कि सेगमेंट के अंदर होता क्या है, क्या बेली अभी भी अटैक करेंगे साशा बैंक्स के ऊपर, उनको बिल्कुल ही बाहर कर देंगे टेलीविजन से बिल्कुल महीनों के लिए, या फिर साशा बैंक्स यहां पर अपना बदला लेंगी। तो एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा देखने के लिए। और गाइस शो की जो हमको स्पॉटलाइट लेता हुआ दिखाई दे सकता है सेगमेंट या फिर मैच वो होने वाला है रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस शेमस एंड किंग कॉर्बिन का मैच, और ये होने वाली है समोन स्ट्रीट फाइट। मतलब यहां पर आपको पता है स्ट्रीट फाइट जैसे हमको रूल्स देखने को मिलेंगे, और पूरी कहानी यहां पर एक ही टीम की तरफ है रोमन रेंस एंड जे उसो, क्योंकि उनका मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर। अब मुझे स्टिल यहां पर लगता है कि रोमन रेंस के पास एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जे उसो के ऊपर। अब वो उसको कब तक करते हैं उसके लिए हमको स्मैकडाउन के शो को ट्यून करना पड़ेगा। हो सकता है गाइस कल भी शो पर आपको ऐसा देखने को ना मिले कि रोमन रेंस जे उसो के ऊपर अटैक करें, क्योंकि WWE हो सकता है इस चीज को स्मैकडाउन तक के लिए बचा कर रखे, या फिर जो रोमन रेंस का टर्न हो जे उसो के ऊपर वो सीधा क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर ही हो। लेकिन डेफिनेटली टेंशन तो इनके बीच बढ़ने वाली, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कैसे एक स्मैकडाउन के बाद दूसरे स्मैकडाउन के शो में इनके बीच गर्मा गर्मी बढ़ रही है, और अगर ये कहीं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है रोमन रेंस का दिमाग कल सटक भी जाए और वो अटैक भी कर दें जे उसो के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग चीजें हमको इस समोन स्ट्रीट फाइट से देखने को मिलेंगी। और मैच के प्रेडिक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर मैं रोमन रेंस एंड जे उसो को पिक करने वाला हूं। इस मैच में वो हार नहीं सकते क्योंकि सारा फोकस उनके ऊपर है, और हरवाना यहां पर उनको हो सकता है थोड़ी सी स्टूपिड बात हो जाए। बाकी एग्जैक्टली होगा क्या इसके लिए आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्मैकडाउन के बाद 8-9 बजे के आसपास आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी तो चैनल पर जरूर आ जाना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।